हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम चौधरी हूँ। मेरे चैनल आर्यन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपना कस्टम EMI कैसे बनाते हैं और एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो कस्टम EMI का मतलब होता है ये कि आपने कोई भी वेब सर्वर हो या कोई भी सर्वर हो, उसमें अपना सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो सब इंस्टॉल करके, जैसे अभी रनिंग स्टेटस है मेरे, इसमें मैंने जो भी इंस्टॉल करके रखा है आप भी ऐसे इंस्टॉल करके रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और एक्शन में जाना है, इमेज करना है, क्रिएट इमेज, इमेज का नाम लिख देना, जो भी आपको नाम देना हो नाम दे सकते हो, वेब सर्वर। और आपको रिबूट नहीं करना है मशीन, जब इमेज बने तभी इस पर क्लिक कर दीजिए, नो रिबूट, तो आपका मशीन रिबूट नहीं होगा। बेसिकली इस पर क्लिक नहीं करोगे तो मशीन आपका रिबूट हो जाएगा। साइज जो है वो ले लीजिए आपका और क्रिएट इमेज कर दीजिए। अभी इमेज क्रिएट हो रहा है, EMI पे क्लिक करोगे आप तो इधर दिखेगा, देखिए प्राइवेट में हो रहा है, स्टेटस पेंडिंग है। अभी जैसे ये कंप्लीट होएगा स्टेटस में, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ गाइज। आगे मैं बताऊँगा कि एक रीजन अभी अपना कौन सा, मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन से मैं हैदराबाद रीजन में यही इमेज यूज करूँगा नए EC2 के लिए, या नया वेब सर्वर बनाने के लिए। मेरे को उस सर्वर के अंदर स्टार्टिंग से कुछ करना नहीं है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, मेरा वेब सर्वर के जो भी एप्लीकेशन है सब इंस्टॉल रहेंगे। तो गाइज मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ये तब तक स्टेटस पेन कंप्लीट नहीं होता तब तक, ये कंप्लीट होने के बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए गाइज स्टेटस अवेलेबल आ गया है, अभी ये EMI अवेलेबल है, अपन शेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हो ओनर कौन है, ये कि प्राइवेट है। तो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्शन पे जाना का है, कॉपी EMI करना है। कॉपी EMI में आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन आपको कौन सा लेना है, हैदराबाद लेना है या दूसरा जो रीजन लेना है वो ले सकते हो आप कोई सा भी। मैं हैदराबाद लेता हूँ। कॉपी टैग्स, उसको कुछ टैग्स दिए वो कॉपी करना है। EBA स्नैपशॉट EMI ये आप सेलेक्ट नहीं करो तो चेक करोगे तो आपको इधर कि पूछेगा KMS की, और ये आपको जब भी दूसरे अकाउंट में जाओगे तभी आपको ये डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉपी EMI। देखिए ऊपर आपको मैसेज आ रहा है, EMI कॉपी ऑपरेशन, फ्यू मिनट्स EMI कॉपी ऑपरेशन, EPSAR2 और न्यू EMI ID, आपको ये ID मिलेगा। अभी अपना EMI ID क्या ये है, चलिए हैदराबाद रीजन में चलते हैं और देखिए गाइस ये रहा हैदराबाद रीजन। स्टेटस क्या है, पेंडिंग। अभी इधर भी चेंज होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और इसी इमेज से आपको EC2 लॉन्च करके बताता हूँ। दोस्तों जैसे स्टेटस अवेलेबल आ गया, अभी आप सेलेक्ट करके लॉन्च EC2 EMI यहाँ पे नाम लिख दीजिए, वेब सर्वर आपको जो भी रखना है, सेटिंग आप जो करना है वो कर सकते हो, यहाँ पे जो EC2 टाइप लेना है वो ले सकते हो। की पेयर आप बना सकते हो, नेटवर्क सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट से आप जैसे EC2 लॉन्च करते हो वैसे कर सकते हो। बस ऐसे आप एक इमेज EMI एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, AWS वाले में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में EMI कैसे ट्रांसफ़र करते हो। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको एक से एक अच्छे वीडियो, एक से एक नए वीडियो बना के दूँगा।